देश के गोरखपुर के एक गांव में एक शादी समारोह के दौरान ऐसा वाक्य हुआ जिसे देखने वाले दंग रह गए। सैकड़ों लोगों के सामने वरमाला के स्टेज पर प्रेमी ने दुल्हन की मांग में सिंदूर भर दिया। लोग सन रह गए। बरातियों का गुस्सा जैसे ही भड़का, तभी किसी ने डायल 112 पर फोन कर पुलिस बुला ली। मौके पर पहुंची पुलिस के सामने देर रात तक पंचायत चली। आखिरकार भोर में 3 बजे जाकर ग्राम प्रधान और गांव के बड़े बुजुर्गों के हस्तक्षेप से मामला सुलझा। इसके बाद दूल्हा दुल्हन को विदा कराकर अपने घर ले गया। मामला गोरखपुर के हरपुर बुधहाट थाना क्षेत्र का है। यहाँ एक गांव में एक लड़का और लड़की काफी समय से एक दूसरे से प्रेम करते थे। कुछ महीने पहले लड़का बाहर कमाने चला गया। इसी दौरान लड़की के घर वालों ने उसकी शादी तय कर दी। लड़की ने जब लड़की की शादी की बात सुनी तो वह 2 दिन पहले गांव आ गया। लड़की की शादी के वरमाला स्टेज पर अभी दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को वरमाला पहनाने ही वाले थे कि प्रेमी ने स्टेज पर चढ़कर दुल्हन की मांग में सिंदूर भर दिया। सिंदूर भरने के साथ ही दोनों एक दूसरे से गले लग गए। यह देख वहां मौजूद लोग बक रह गए। बताया जा रहा है कि इसी बीच लड़की के परिवार के किसी सदस्य ने डायल 112 पर सूचना दे दी। इधर दूल्हा और दुल्हन के परिजनों के बीच माहौल गर्म होने लगा है। स्टेज पर प्रेमी और प्रेमिका भी एक दूसरे के साथ रहने की जिद करने लगी, लेकिन पुलिस को देखते हुए प्रेमी बैकफुट पर आ गया। वह अपने घर चला गया। प्रेमी के घर चले जाने के बाद दुल्हन और दुल्हा पक्ष के लोग एक बार फिर पुलिस के कहने पर पंचायत में बैठे। सुलझ समझौता के बाद भोर में 3 बजे दुल्हन की विदाई हो गई। सिस्टर हेलो, हाथ लगाइए। दोबारा बोलना तो सही। तू बोल रहा है। अरे ये तो मजा।